चित्रकूट में एक अभिभावक को मिड डे मील में मेन्यू के हिसाब से खाना न मिलने की शिकायत करना भारी पड़ गया। स्कूल के हेडमास्टर और ग्राम प्रधान के भाई ने अभिभावक की जूतों और लात घूसों से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला शिवरामपुर चौकी इलाके के गोबरिया प्राइमरी स्कूल का है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने दबाव बनाकर आपस में समझौता करा दिया। पूरे मामले में डीएम ने कहा जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के दुर्गाकुंड वृद्धा आश्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला रो रही है। वृद्धा आश्रम के केयरटेकर ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की। वायरल वीडियो देखकर स्वयंसेवी महिलाएं आश्रम पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। संत कबीरनगर में एक सरकारी इंजीनियर को महिला ने चप्पल से पीटा। महिला का आरोप है कि जेई जमीन की नक्शा रिपोर्ट देने के नाम पर उससे 25,000 रुपए मांग रहा था। कानपुर के दादानगर में एक मोबाइल की दुकान में चोरी की तस्वीरें सामने आई हैं। चोरों ने गैस कटर से मोबाइल की दुकान का शटर काटकर लाखों के मोबाइल चोरी कर लिए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुरादाबाद में भाजपा विधायक के बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने जमकर ठुमके लगाए और लोगों का खूब मनोरंजन किया। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा तहसील के रतुपुरा गांव में हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। ये कार्यक्रम बीजेपी से पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह के पोते के जन्मदिन का था। लखनऊ में हुए उपद्रव के 3 मास्टरमाइंड पकड़े गए। बाराबंकी और इंदिरा नगर से नदीम, अशफाक और वसीम को लखनऊ पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हुए हंगामे में PFI का नाम सामने आया है। अमरोहा में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने नुकसान की भरपाई वसूलने का काम भी शुरू कर दिया है। डीएम ने क्षतिपूर्ति के निर्धारण और वसूलने के लिए अपर जिला अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नामित किया। निजी या किसी सरकारी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना दावा पेश करना होगा। सीएम योगी ने उपद्रवियों से उनकी संपत्ति से नुकसान की वसूली करने के आदेश दिए थे। नागरिकता संशोधन बिल के पास होते ही इसका असर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना इलाके में इस बिल को लेकर दिवाली और होली जैसा माहौल है। ये वो लोग हैं जो 40 साल पहले पाकिस्तान छोड़कर मुजफ्फरनगर आए थे। उनकी इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विजय कश्यप भी पहुँचे। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिल रहे रुझान के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। अपने ट्वीट में कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए उसे घुसपैठिया बताया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा झारखंड की जनता ने भी एक बिल पास कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि ये छल कपट झूठ के सहारे सत्ता में आए झूठपैठिये बाहर हो रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड की जनता ने भी एक बिल पास कर दिया है। इसके तहत छल कपट झूठ के सहारे सत्ता में आए झूठपैठिये बाहर हो रहे हैं। सत्ता उनको सौंपी जा रही है जिनके नाम विकास और सुशासन रजिस्टर में दर्ज हैं। इन झूठपैठियों को विरोधी कैंप में रखा जाएगा। सीए के खिलाफ यूपी में हिंसक विरोध प्रदर्शन की मायावती ने की निंदा। सरकार से की गिरफ्तार किए गए निर्दोषों की जाँच कर रिहा करने की मांग। अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र में हुए बवाल में पथराव करने वालों की पहचान पुलिस ने कर ली है। सीसीटीवी से करीब 30 प्रदर्शनकारी चिन्हित किए गए। पुलिस ने उनके जगह जगह पर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कराने और सूचना देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। पुलिस ने करीब 300 से अधिक स्थानों पर फोटोयुक्त पोस्टर और फ्लेक्स बोर्ड लगवाए हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और जिला प्रशासन ने 76 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मीनाक्षी चौक पर जिला प्रशासन ने 67 दुकानों और होटलों पर सीलिंग की कार्रवाई कर छावनी में तब्दील कर दिया। बावजूद इसके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में 20 तारीख को हुए बवाल के बाद अब बवालियों के फोटो होल्डिंग में लगाकर पूरे लोनी में लगा दिए गए हैं। गौरतलब है कि 20 तारीख को हजारों लोगों ने सड़क पर बवाल किया था और लगातार पुलिस और प्रशासन समझाने के बाद भी शांत नहीं हुए थे। पुलिस अधिकारियों का दावा है कानून तोड़ने वाले इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बने।
मेरठ में शुक्रवार को सीए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब पुलिस उन बवालियों की तलाश में जुट गई है। बकायदा थाना लिशाड़ी गेट क्षेत्र में बवालियों के पास पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं और उन दंगाइयों को पता बताने वाले प्रशासन की तरफ से इनाम के साथ साथ उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं मेरठ में जनजीवन सामान्य हो गया है, सभी बाजारों में रौनक दोबारा लौट आई है। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद ने मुस्लिम समुदाय से शांति की अपील करते हुए संयम बरतने की अपील की है। कायनारसी और सीए से मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। इस्लामिक तालीम के लिए मशहूर देवबंद में हजारों लोगों ने नागरिकता कानून के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। ईदगाह मैदान में हजारों लोग इस कानून के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रशासन ने देवबंद को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। धरने में शामिल प्रदर्शनकारियों ने सीए को काला कानून बताते हुए कहा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता धरना जारी रहेगा। संभल में मुस्लिम महिलाओं ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी संभल को ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जिन युवकों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उन्हें बेकसूर बताते हुए कार्रवाई न करने की मांग की। बुलंदशहर में हुई हिंसा के बाद हालात सामान्य हैं। डीएम और एसएसपी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील किया कि वो लोग अमन चैन बनाए रखने की अपील करें। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने एक नई मुहिम छेड़ी। डीएम ने उपद्रवियों को शांत कराने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मानित करने का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने शांति को और सद्भाव को बढ़ावा देने में उस समय मौके पर सहयोग किया। इन्हें हम शांति दूत के रूप में चिन्हित कर रहे हैं और इनके साथ एक बैठक करके इन्हें हम सम्मानित भी करेंगे। UPSSSC के तहत होने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा टाल दी गई है। 24 और 26 दिसंबर को ये परीक्षा होनी थी। जालौन में जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को एक महीने के भीतर सजा सुनाई। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को 25 साल कैद की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एटा थाना इलाके में बीते 21 नवंबर को युवक ने नाबालिग संग दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जौनपुर के मढ़ियाओं कोतवाली में एक पूर्व सभासद पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि पूर्व सभासद अबरार अहमद ने एक विवाहिता के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद वो लगातार ब्लैकमेल कर पीड़ित महिला से काफी दिनों तक रेप करता रहा। चूँकि महिला का पति विदेश रहता है, इससे पीड़ित महिला डर के चलते उसको जानकारी नहीं दे पा रही थी। एक दिन उसके मोबाइल पर पत्नी का वीडियो पहुंच गया, जिसके बाद पति के होश उड़ गए और उसने शहर पहुंचकर पड़ताल शुरू की तो सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पति के साथ मिलकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन अब खबर है कि FIR लिखे जाने के बाद पीड़ित को आरोपी लगातार पैसों का लालच देकर मामला रफा दफा करने की बात कह रहा है। जौनपुर के सारा ख्वाजा सुल्तानपुर मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों में रविवार रात मुठभेड़ हो गई। इसमें 50,000 के इनामिया शातिर अपराधी घायल हो गया। बदमाश की गोली से एक सिपाही जख्मी हो गया। दोनों को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया। एटा देहात के ग्राम चांदपुर में भट्टा के करीब अलीगंज रोड में खेत में एक व्यक्ति की अजली लाश मिली। लाश मिलने से गाँव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस। झांसी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ओम शांति नगर कॉलोनी में रहने वाले सराफा व्यापारी उनके ही घर में तमंचे से फायर कर और चाकू से हमला कर दिया। बदमाश देशी तमंचा फायर करके फरार हो गए। महिला के चिल्लाने पर गार्ड ने एक बदमाश को दबोचा और तीन फरार हो गए। राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बैठक लोक भवन में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र में सघन दौरा करेंगे। इसके बाद दूधली स्थित इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। बाद में डोईवाला में ही BSF के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ के दौरे पर भी जाएंगे। सीएम मलारी मोटरमार्ग पर BRO द्वारा बनाए गए 4 करोड़ की लागत के पुल का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह नगर निगम ऋषिकेश के सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसमें 28 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले नटराज चौक पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एनआरसी और सीए पे बड़ा बयान देते हुए कहा, कांग्रेस किसी भी कीमत पर एनआरसी और सीए कानून नहीं मानेगी। कांग्रेस शासित राज्य में एनआरसी और सीए को लागू नहीं किया जाएगा। वहीं केंद्र में कांग्रेस सत्ता आने के बाद इस कानून को खत्म किया जाएगा। श्रीनगर में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा, स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा, जल्द ही पुनर्निर्माण किया जाएगा। रुड़की में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच चल रहे विवाद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि विधायक कोई भी हो, उसे अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। जनता की अपेक्षाएं और जनप्रतिनिधियों पर होती है, इसलिए हमें उस पर खरा उतरना चाहिए, न कि हमें आपस में लड़ना चाहिए, क्योंकि आपस में लड़ने से दोनों का व्यक्तिगत नुकसान होगा और जनता में भी गलत संदेश जाएगा। इसलिए दोनों विधायकों को संयम बरतना चाहिए ताकि जनता में अच्छा संदेश जाए। हमीरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह एक महिला पर दो लोगों ने उसका पति होने का दावा किया है। मामला जनपद के राट कस्बे का है। हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को 151 में चालान कर दिया। हालांकि जब महिला ने अपने पहले पति के साथ रहने की बात कही तो मामला शांत हुआ। मुरादाबाद में सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से अचानक उतर गए। यह हादसा शटिंग के दौरान हुआ। गनीमत ये थी कि हादसे के वक्त ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं बैठा था, जिससे कोई दुर्घटना घटने से बच गई। काठगोदाम मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन में यह हादसा हुआ है। महोबा में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां तेज रफ्तार ट्रक और डंपर में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। ट्रक चालक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को गाड़ी से बाहर निकाला। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाराबंकी में सुबह कोहरे के कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। परिवहन निगम की बस और ट्रक में आपस में टकरा कर पलट गए। बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा लोग, जिन्हें मामूली चोटें आई और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हमीरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह एक महिला पर दो लोगों ने उसका पति होने का दावा किया है। मामला जनपद के राट कस्बे का है। हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को 151 में चालान कर दिया। हालांकि जब महिला ने अपने पहले पति के साथ रहने की बात कही तो मामला शांत हुआ। श्रावस्ती में कड़ाके की शीतलहर के चलते घर से निकलना भी मुहाल है। इस हालात में इंसान तो इंसान, जानवर को भी आग का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आग के किनारे एक बंदर आग ताप रहा है और अपनी ठंड मिटा रहा है। सोनभद्र में आंदोलन का साइड इफेक्ट दिखाई दिया। रसोई गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मच गई। एजेंसियों पर ज्यादा पैसा वसूलने का भी आरोप है। देहरादून में उत्तराखंड जनरल ओबीसी सामान्य एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कर्मचारियों ने सड़क पर बैठकर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने पदोन्नति आरक्षण न देने की मांग कर रहे हैं। तत्काल पदोन्नति पर लगी रोक भी हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में होली की फुहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। रामनगर में होली गायकों ने कुमाऊंनी बैठक होली में फिजाओं में रंग घुलना शुरू कर दिया है। कुमाऊं बैठक की होली का यह महफिल पौष के पहले रविवार से सजने लगी है, जो होली के टीके तक चलती रहेगी। देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। आम नागरिकों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रंग उत्सव की शुरुआत की गई, जहां एक और राजधानी में स्मार्ट सिटी स्कूल, सड़कें, स्मार्ट वाटर, एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट भी तैयार किए जा रहे हैं। वही रंग उत्सव चित्र प्रतियोगिता के द्वारा लोगों को स्मार्ट सिटी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। रुद्रप्रयाग जिले में बर्फबारी के 5 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए। बर्फबारी के कारण पिछले कई दिनों से केदार घाटी में संचार और बिजली सेवा ठप पड़ी हुई है, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम में किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते केदार घाटी सहित जिले के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी ने ठंडक बढ़ा दी। केदारनाथ धाम में अभी भी 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिस कारण धाम में चल रहा पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। चमोली में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों के गांवों में अभी तक बर्फ नहीं पिघल पाई है। बर्फ की मोटी चादर के बीच इन दिनों देवाल विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों का स्थानीय गीतों पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। Yeah.
उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ज्यादातर ट्रेनें 1 से 5 घंटे तक लेट चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। इस मामले में डिप्टी एसएस का कहना है कि सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं ट्रेनों के लेट होने और कोहरे से यात्रियों को कहना है कि ट्रेन की लेट होने से बहुत परेशानी हो रही है और ठंड भी ज्यादा है। धार्मिक नगरी वाराणसी में सर्दी का सितम जारी है। सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं, तो वहीं घना कोहरा लोगों के यातायात में दिक्कत का सबब बन रही है। आलम यह है कि आग से कर चाय पीकर और गर्म कपड़े पहनकर राहत का रास्ता तलाशा जा रहा है। लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में सर्दी के चलते 24 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके मद्देनजर डीएम ने सभी स्कूलों को स्कूल न खोलने के आदेश जारी किए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में 2021 की जनगणना और एनपीआर को अपडेट करने पर मंजूरी मिल सकती है। दोनों कामों के लिए कैबिनेट करीब 8,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे सकती है। अगले साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच एनपीआर को अपडेट करने का काम होना है। मोहन भागवत 25 दिसंबर को आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस शिविर में आरएसएस के 10,500 कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय विजय संकल्प शिविर में हिस्सा लेने के लिए शाम में हैदराबाद पहुंचेंगे। आरएसएस की तेलंगाना इकाई शहर के भारत इंजीनियरिंग कॉलेज में ये शिविर आयोजित कर रही है। दिल्ली से भोपाल की एक फ्लाइट में सवार प्रज्ञा ठाकुर को सीट के चक्कर में यात्रियों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक यात्री बीजेपी सांसद से कह रहा है कि आपको शर्म नहीं है कि आप इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। दिल्ली से भोपाल जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट में सीट को लेकर साध्वी प्रज्ञा की क्रू मेंबर से बहस हो गई। सीट की मांग को लेकर वह विमान में धरने पर बैठ गई। इसी बीच यात्रियों ने विमान में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके व्यवहार की निंदा की। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीए के खिलाफ लगाए गए सभी विज्ञापनों को हटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल हाई कोर्ट में 6 जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें वेबसाइटों और अन्य स्थानों में सभी विज्ञापन हटाने की मांग की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने ममता सरकार को वेबसाइट और अन्य स्थानों से विज्ञापन हटाने का आदेश दिया है। दिल्ली के किराड़ी इलाके में एक इमारत में भयंकर आग लग गई। 4 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 12 बजे लगी इस आग की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग आ गए। दमकल विभाग के मुताबिक इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। सभी घायलों को संजय गांधी और पास के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिल्डिंग के निचले हिस्से में गोदाम है, जहां सबसे पहले आग लगी और 1 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। मरने वाले लोगों में मकान मालिक और किराएदार के परिवार वाले शामिल हैं। महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर इमिग्रेशन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे एक तिब्बती युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तिब्बती युवक के पास से फर्जी भारतीय वोटर कार्ड बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तिब्बती युवक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाराबंकी में किसानों ने जेसीबी के सामने लेट कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मिट्टी डालने वाले ठेकेदारों के पास परमिशन नहीं है। गोंडा में बीते 15 दिनों से लेखपाल संघ हड़ताल पर है। लेखपालों के हड़ताल पर चले जाने से आय जाति निवास समेत कई जरूरी कागजात नहीं बन पा रहे, साथ ही विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लेखपालों का कहना है कि अगर आम जनता को लेखपालों की हड़ताल से दिक्कत है तो सरकार उनकी मांगों को माने। अभी तक जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं आया। रामनगर में कॉर्बेट के आसपास गुलदार का आतंक बढ़ रहा है। यहां आसपास के गांवों में गुलदार के हमले बढ़ने का बहुत बड़ा कारण कॉर्बेट और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में बाघों का बढ़ना माना जा रहा है। रामनगर में NH 121 में उत्पात मचा रहे तस्कर हाथी को कॉर्बेट प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। तस्कर हाथी ने करीब 1 साल से यहां आतंक मचाया हुआ है। प्रदेश में ये पहला मौका होगा जब हाथी को रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। इस कॉलर के लगने के बाद इसके मूवमेंट में नजर रखी जा सकेगी।
उत्तराखंड में पांचवा धाम बनाने की कवायद तेज हो गई है। नगर निगम देहरादून ने इसके लिए भूमि का चयन कर लिया है। पांचवें धाम के लिए देहरादून के शिप्रा विहार में 50 बीघा भूमि चिन्हित कर ली गई है। निगम के द्वारा सैन्य धाम बनाने के लिए ये भूमि जल्द ही सरकार को दे दी जाएगी। सलमान खान के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है। बॉलीवुड के दबंग खान को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट जल्द ही कस्टमाइज्ड WWE चैंपियनशिप बेल्ट देकर सम्मानित करेगा। WWE दबंग सीरीज की इस तीसरी फिल्म को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा करने जा रहा है। बेल्ट की साइड में सलमान खान का नाम भी एम्बॉस किया जाएगा। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।